हे गाइस नमस्ते, मेरा नाम है रेबर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है टेक्निकल रेबर। दोस्तों, आप सभी के मोबाइल पे कभी ना कभी वायरस आया होगा, लेकिन हमको नहीं मालूम होगा कि वायरस कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके ही काम आने वाली है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको 5 उपाय बताऊँगा, 5 ऐसे कॉमन तरीके बताऊँगा जो आप करते हैं, उसकी वजह से आपके मोबाइल में वायरस जाता है। तो देखते रहे इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वे है वो होता है आप परमिशन। जी हाँ, कभी कदर एक आप जो मतलब ट्रस्टेड नहीं होते, जब भी आप वो आप आपको परमिशन मांगता है तो आप उसे परमिशन दे देते हो सभी के, जैसे कि कॉन्टैक्ट हो गया, आपका कैमरा हो गया, अपना मैसेज हो गया, बहुत सारा परमिशन होता है और आप उस एप्लीकेशन को सारे परमिशन देते हो। तो वैसे में वहाँ से आपके जो आपके मोबाइल पे वायरस आ सकता है, मलेशिया सक्सेस आ सकता है, बहुत चांसेस है इसके। तो इसके बाद सेकंड रहता है, आप कहीं से भी इंस्टॉल कर लेते हैं, हमेशा आप यूसी ब्राउजर से कभी कभार आप इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन, या ब्राउजर यूसी ब्राउजर नहीं, कोई से ब्राउजर पे आप इंस्टॉल कर लेते हैं कोई एप्लीकेशन। हालांकि आपको वहां से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से वायरस आता है, इसलिए आपको करना चाहिए बिल्कुल प्ले स्टोर पर आप अच्छे से एप्लीकेशन रहते हैं। कई बार आपको अगर मतलब जो फ्री वाला होता है ना, फ्री वाला मतलब पेड गेम फ्री में देता है, तो ऐसे में आपको ब्राउजर में जाकर करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर आपको उसके साथ आपके साथ आपके मोबाइल को वायरस आता है और भी बहुत कुछ आता है। और कोई भी अगर वो जो कंपनी है, वो कोई भी अगर हैकर है, बड़े आसानी से आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। और अगर आप जैसे पहले होता है सब परमिशन दे देते हैं उसे, तो सभी को सभी एक्सेस कर लेता है। तो ये सब दूसरा तो बढ़ते थे। तीसरे जो भी ट्रिप्स के तरफ तीसरे वे की तरफ तो तीसरा वे है, जब भी हम कोई हैक या मोडिफाई यानी कि मोड गेम्स इंस्टॉल करते हैं या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हमें कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मोड सारे हैक होते हैं, हमें हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आपको बता दो, हम इसे इंस्टॉल करते हैं ताकि देखिए, मान लीजिए एक गेम मिनी मिल्शिया बहुत ही फेमस गेम है, इसको जब भी लोग खेलते हैं तो सभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं चीटिंग को मोड कर दूँ, कभी मेरा गन का पावर ख़त्म नहीं हो, कभी मेरा ब्लड ख़त्म नहीं हो, कभी मतलब जो ये होते हैं कुछ भी मतलब सब अनलिमिटेड हो जाए, तो ऐसे में आप हैक या मॉडिफाई गेम खेलते हैं, तो ऐसे में उसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वही आपके जरिए आपके मोबाइल में वायरस आता है और हैकर जो है उसी के जरिए आपको हैक करते हैं और आपके मोबाइल में वायरस डालते हैं और आपका सारा का सारा पर्सनल डेटा वो चुरा लेते हैं। तो ये था बहुत बड़ा मतलब ये रास्ता, आप इसे बिल्कुल भी मत कीजिए। आप हमेशा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कीजिए। और उसका जो परमिशन की बात कही, आप देखिए ये सब पढ़िए, डायरेक्ट सीधा अलाउ नहीं कर दीजिए परमिशन को, अब पढ़िए ये किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक आपने टॉर्च की एप्लीकेशन इंस्टॉल की, वो मांग रहा है आपके लोकेशन की एक्सेस अलाउ करने के लिए, तो आप अलाउ कर लेते हैं, लेकिन उससे काम क्या उसकी, एक टॉर्च एप्लीकेशन का आपका लोकेशन लेके करेगा क्या? तो ऐसे में आपके मोबाइल में वायरस आ सकता है। तो सब चलिए चौथे वे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रास्ता क्या है, जैसे कि हमारे मोबाइल में वायरस आता है, तो चौथा रास्ता है मोबाइल प्रूफिंग। जी हाँ, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, मतलब अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या रूटिंग के डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। रूटिंग क्या होता है, जब भी आप रूट कर लेते हैं, आपका जो एड्रेस से सिक्योरिटी सील्ड है वो तरीके से बिल्कुल टूट जाता है, और आपके मोबाइल पे कहीं से भी आप मलेशियस सॉफ्टवेयर या वायरसेस या हैकर सीधे आ सकते हैं, एंटर करके आपको पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि जब आप रूट कर लेते हैं, जो एंड्रॉइड का सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना, वो टूट जाता है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि आप रूट करें। तो अधिक जानने के लिए रूट के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए स्पेशल वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे लास्ट जो आता है वो आता है, अब कभी भी सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। अब आप पूछेंगे सस्पिशियस लिंक क्या होता है? मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, एक लिंक आया है कि यहाँ पर करने से ऐसा
आप कभी कभार आपके पास भी गया होगा, ऐसा करने से मोबाइल मिल जाएगा, जियो का फ्री रिचार्ज हो जाएगा, ऐसा ऐसा निकला है, ऐसा ऐसा फ्री में कर लीजिए। बाद में आपको बताएगा कि 15% सेंड कीजिए, 20% सेंड कीजिए, तो आप सेंड कर लेते हैं, लेकिन उसमें नहीं होता। उसके जरिए वो आपके मोबाइल को एंटर करने का तरीका सोचते हैं। जब भी आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आपके मोबाइल को एक्सेस करके आपका पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं और आपके मोबाइल में वायरस डाल सकते हैं। तो ये तो कुछ 5 स्पेशल टिप्स जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपकी मर्जी, आप कैसे यूज़ करते हैं अपने मोबाइल को। अगर आप वायरस नहीं चाहते हैं तो इन जितने भी मैं पीछे मतलब जितने भी बताया हूँ टिप्स, उन सभी को देख के एक्सेस कीजिए। हमेशा देख के पढ़ के अच्छे से कीजिए, तो आपका मोबाइल कभी भी वायरस मतलब वायरस आपके मोबाइल को नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सा जो भी वे बताया आपको कौन सा वे सबसे मतलब डेंजरस लगा उसको भी बताइए। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे अभी एक नई अपडेट एक वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिले हमारे और नए एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।